आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्लास 12 का ये चैप्टर नंबर 15 है। रिसेंटली हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, तो जैसे पिछले चैप्टर्स को आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, और जैसा मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को भी पढ़ाऊं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले भाई? तो सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी उठा ले अपने हाथ में, और सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ाऊंगा 258 और 259 पेज नंबर। ठीक है, बायोडायवर्सिटी चैप्टर का ये पेज नंबर 1 और 2 है। कौन सा चैप्टर, कौन सा पेज नंबर पढ़ाऊंगा? 258 और 259। जो जो बातें लिखी हैं मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो मैं ये करूंगा। उसके बाद वहां से कैसे सवाल आ सकते हैं नीट में ये बताऊंगा। क्या इन दो पन्नों से क्या अभी तक नीट में कोई सवाल आया है? अगर आया है तो क्या सवाल आया है वो करवाऊंगा। तीन चीजें होगी। चौथी चीज है क्या? चौथा चीज ये है कि मैं आपको इन दो पन्नों से ये बताऊंगा कि बोर्ड्स में, क्लास 12 बोर्ड होता है ना फरवरी मार्च में, हाँ, तो उसमें कैसा सवाल आ सकता है इन दो पन्नों से वो बताऊंगा। फिर क्या इन दो पन्नों से कोई सवाल आ चुका है कहां, बोर्ड्स में, वो बताऊंगा। और फिर मैं आपको एनसीईआरटी, जो लास्ट में आप जाओगे ना, इस चैप्टर के लास्ट में जाओगे जब आप, तो पेज नंबर है 268 में जाओगे, तो एक्सरसाइज करके है एक टॉपिक एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन है उसमें, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन है जो इन दो पन्नों से बिलोंग करते हैं, तो मैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने एनसीईआरटी उठाना है और आपको पेन उठाना है और मेरे साथ लग जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो भाई देख, अब क्या है ना कि चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन का मतलब अपन बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि बचपन से हमने सुना हुआ है, वाटर कंजर्व करो, ये कंजर्व करो, ये बचाओ, वो बचाओ, तो कंजर्वेशन का मतलब तो बचाना होता है। ठीक है, सवाल है बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सवाल ये है कि सिर्फ डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो ये टर्म तो जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बचपन से, बचपन में मैं भी डायवर्सिटी वर्ड से बड़ा कंफ्यूज रहता था, डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है ना, वो बात अलग है, तुम लोग बुढ़ापा में कंफ्यूज हो। ठीक है, तो चलो देखो क्या बोलते हैं बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या। देख, डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 तरह का पेन है, क्या है मेरे पास 50 तरह का पेन है, तो मेरे पास पूरा का पूरा पेन का डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, मतलब मेरे पास ना डाइवर्सिटी है यार, किस चीज का पेन का, क्यों मेरे पास 50 तरह का पेन है, मेरे पास बुक्स की डाइवर्सिटी है, मैंने एक घर में लाइब्रेरी फॉर एग्जाम्पल बना रखी है जिसमें मैंने 60-70 तरह की अलग अलग किताबें रख रखी हैं, तो मेरे पास बुक्स में डाइवर्सिटी है, करेक्ट। अब सवाल ये होगा, कभी कभी क्या होता है कि डाइवर्सिटी शब्द आप कंफ्यूज कर जाते हो, बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी अलग अलग चीजें। हाँ देख, डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है विविधताएं। क्या मतलब विविधताएं? क्या क्या आपके पास, कितने तरह की चीजें पड़ती है, कितना तरह का चीज पड़ता है, डाइवर्सिटी का मतलब है कितना तरह है, तो ये कितने तरीके का है, कितना 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 अलग अलग तरीके का है, ये डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो भाई जीव जंतु के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, जब आप बोलोगे कि कितने तरीके के पेड़ पौधे हैं, जब आप ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करोगे, उसमें तरह लगाओगे, ऑर्गेनिज्म कितने ऑर्गेनिज्म तरह के हैं, तो कहोगे आप बायोडायवर्सिटी। ऑर्गेनिज्म प्लस कितने तरह के हैं, तो बोलोगे आप बायोडायवर्सिटी। क्यों? अरे यार, बायो मतलब क्या, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, डाइवर्सिटी। जब आप बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जाते हो, ठीक है, जब आप जीव जंतु को देखते हो और बोलते हो कितने तरह के हैं, तो आप बोलते हो बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई वाह, ऐसा है कि इंडिया में कितना बायोडायवर्सिटी है, मतलब सर मतलब ये कि इंडिया में कितने तरीके के जीव जंतु हैं वो पढ़ेंगे। क्या कोई ऐसा जगह है जहां हमसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, वो देखेंगे सर। ठीक है सर, कहीं ऐसा जगह है जहां से हमारे से कम है, मतलब इंडिया से कम है, अब वो देखेंगे सर, बहुत अच्छी बात है। फिर ये देखेंगे बायोडायवर्सिटी खत्म कैसे हो रहा है, मतलब क्या पहले जीव जंतु ज्यादा थे अब कम हो गए हैं, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, खत्म कैसे हो रहा है डायवर्सिटी, जीव जंतु कम कैसे हो रहे हैं, क्या हमारी कारणों से हो रहे हैं, इसको जानेंगे। फिर जानेंगे कि हमको बचाना क्यों है, और फिर जानेंगे कि पहले तो जानेंगे बचाना क्यों है,
चैप्टर की बता दो, चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है भाई, पहले क्या जानेंगे, बचाना क्यों है, क्या फायदे हैं बचाने के, वो जानेंगे, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे बचाना है वो जानेंगे। ठीक है, दो मेथड वेथड है वो आराम से लास्ट में जब पहुंचेंगे ना तो जानेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एनसीईआरटी उठाना है, पेन उठाना है, मेरे साथ लग जाना है। बायोडायवर्सिटी का एक सिंपल सा डिफिनेशन है, मन करता है तो लिख ले और नहीं मन करता है तो जाने दे, बस मेरे साथ सुन ले, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, तू बच्चा तो है नहीं, किधर से कोई पूछेगा व्हाट इज बायोडायवर्सिटी ना। ठीक है, देख तो ये लेक्चर जितना नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स वालों के लिए। ठीक है, तो एक होगा ना क्या कि लेक्चर के जब लास्ट पे पहुंचेंगे हम, तो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो जो बोर्ड्स दे चुके हैं वो क्या करेंगे, वहां से वीडियो को लीव करके चले जाएंगे, फिर बोर्ड्स वाले के कंटिन्यू करके देखेंगे। यार मन है तो देख भी सकते, पूरा नहीं मन तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कहां तक नीट वाले देखे और कहां तक बोर्ड्स वाले देखे। ठीक है, तो चलिए भाई, क्या लिखा हुआ है, बायोडायवर्सिटी का मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच टूगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। बहुत सारे तरह के जीव जंतु एनिमल प्लांट रहते हैं और एक अच्छा और एक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं, एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। सिर्फ डायवर्सिटी होता तो कहीं इसका मतलब अलग हो जाता, यहां पर सिर्फ एनिमल प्लांट यूज नहीं करते हम, बोलते द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग विच लिव टूगेदर इज कॉल्ड डायवर्सिटी, या फिर सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बोल दे तो डायवर्सिटी हो जाता। जब बायोडायवर्सिटी शब्द यूज करोगे आप, तो आप बोलोगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, जो साथ रह रहे हैं और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी। अरे समझ आया। अब देख क्या है ना कि डायवर्सिटी लेवल्स पे होता है। लेवल मतलब सर देखो, जैसे कि मैं एक ह्यूमन बींग हूं, ठीक है, मैं एक ह्यूमन बींग हूं, आप एक ह्यूमन बींग हो, लेकिन क्या हम दोनों सेम है? नहीं, हम दोनों अलग अलग दिखते हैं। क्यों सर? तो सर चैप्टर नंबर 6 में आपने बोला था कि आदमी कैसा दिखता है उसके जीन्स के ऊपर लिखा है। हाँ यार, तो मतलब जेनेटिक लेवल पे डिफरेंसेस हैं सर। हाँ सर, मतलब जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी है सर। हाँ सर, बोल सकते हैं आप, समझ आए? तो मैं आप अलग दिखते हैं, क्यों? जीन्स अलग अलग है, मतलब जीन्स के लेवल पे डिफरेंसेस हैं सर, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ना है सर थोड़ा सा जी। फिर मैंने क्या बोला कि फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, सर क्या बोला आपने, आपने बोला इंसेक्ट, मैंने बोला इंसेक्ट, तो क्या जब मैं इंसेक्ट बोलता हूं तो सिर्फ आप कॉकरोच सोचते हो? नहीं सर, खाली इंसेक्ट बोलेंगे तो कॉकरोच सोचोगे, कॉकरोच होता है इंसेक्ट ना? अरे गलत कहां, अरे चचा, अरे रुकिए, देखिए इंसेक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच आप नहीं सोच सकते। आप जब इंसेक्ट सोचते हो तो आपके दिमाग में इतना सारा पिक्चर आता है कि ये भी इंसेक्ट है, ये भी इंसेक्ट है, ये भी इंसेक्ट है, ये भी इंसेक्ट है। हाँ सर, मतलब आप जब जाते हो स्पीसीज के लेवल पे तो वहां पे डिफरेंसेस है, अलग अलग टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है सर। समझ में आया, समझ आया ये चीज है। आपने बोला कि सर आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है, तो आगे जानेंगे इन सब के आंसर। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई ऐसा है कि इस जो डाइवर्सिटी है ना, ये अलग अलग लेवल्स पे देख सकते हो आप, आप स्पीसीज के लेवल पे देख सकते हो, आप जीन्स के लेवल पे देख सकते हो, है ना? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। आप क्या बोलते हो उसको, इकोसिस्टम के लेवल पे देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है बताऊंगा आपको, ठीक है, देखो ध्यान दो। अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में भाई साहब, एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा उन्होंने कि अगर कोई एलियन आया बाहर से, कौन आया भाई, तो कोई अगर एलियन आता है बाहरी दुनिया से और हमारे अर्थ पे आता है, विजिट करता है, क्या करता है जी, विजिट करता है, ठीक है सर, है ना, तो देख के चौंक जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, अमेजिंग फील करेगा, क्या करेगा, अमेजिंग फील करेगा। कैसे सर? वो देखेगा कि यार यहां तो फ्लावर है, लाख तरीके का तो फ्लावर है, अरे यार बिटल है, चींटियां हैं, इतने इतने तरीके की चींटियां हैं, मैं क्या बताऊं, 20,000 तरीके की चींटियां, 20-30,000 तरीके की, ठीक है, 3 लाख तरीके का तो बिटल है, मछलियां देखेगा तो मछली एक तरीके का नहीं है कि एक तरह का मछली है, बस ना 28,000 टाइप की मछलियां हैं।
तो जब एलियन बाहर से, जब स्पेस से आएगा विजिट करने, अगर वो जिंदा, मतलब जिंदा नहीं मतलब एग्जिस्ट करता है, अगर एलियन विलियन तो अगर आएगा, तो देख के आश्चर्यचकित हो जाएगा और आप भी आश्चर्यचकित रहते हो कि यार इतने तरीके के एनिमल्स, इतने तरीके के स्पीसीज, इतने तरीके की एंट है सिर्फ। यार बड़ी दुविधा वाली बात है। मैंगो भी ये नहीं कि सिर्फ एक आम तरीके, एक आम है, नहीं मिठौकी आम नहीं, थोड़ा ठीक है मिठौकी मतलब एक आम का वेराइटी है मिठौकी आम, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ बम्बई आम एक तरीके का, नहीं, आम की भी बहुत सारी वेराइटीज हैं यार। हाँ सर, चावल सिर्फ ये नहीं कि चावल एक तरह का, नहीं, चावल की भी बहुत सारी वेराइटी है सर। तो ये क्या है, ये राइस की डाइवर्सिटी है। ये क्या है सर, ये तो आम की डाइवर्सिटी है सर। ये क्या है सर, ये एंट्स की डाइवर्सिटी है। और जब सबको देखते हो एक साथ ना, तो आप बोलते हो सर ये बायोडाइवर्सिटी है। क्या है ये, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। जब आपने एंट्स को देखा 20 साल, आपने बोला सर यहाँ तो एंट्स की डाइवर्सिटी है सर। मैंगो देखा, आपने बोला मैंगो की डाइवर्सिटी है सर। और जब आप पूरे को देख रहे हो ना एक साथ, तो आपने बोला सर ये तो बायोडाइवर्सिटी है। क्या है सर, बायोडाइवर्सिटी है। तो एनसीईआरटी का पहला लाइन क्या बोला भाई, उसने बोला इफ एन एलियन कम फ्रॉम अदर गैलेक्सी आएगा हमारे प्लानिट पे विजिट करेगा, तो पहला चीज जो देख के वो पागल हो जाएगा वो क्या है, इनर्मस डाइवर्सिटी, मतलब इतने तरीके की विविधताएं को देख के जीवन की, है ना। और ह्यूमंस के लिए भी है, इवन फॉर ह्यूमंस द री वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद दे शेयर देयर प्लैनेट नेवर सीज टू एस्ट्रोनॉटिक। उसने बोला हम इस धरती पर रहते हैं, इतने तरह के ऑर्गेनिज्म है उनके साथ इस धरती को शेयर करते हैं, इस प्लैनेट को शेयर करते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अभी जब हम बायोडाइवर्सिटी बचाने का, बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना चाहिए, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना चाहिए, जब इस पर बात करेंगे तो वहां हम बात करेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी है कि इस धरती पर सिर्फ हमारा हक है, बाकी को हम रहने ना दे, नहीं ऐसा नहीं है, सबका बराबर अधिकार है। अगर सिर्फ हमारा हक होता तो ऊपर वाला सिर्फ हम ही को बनाता। खैर अभी फिलोसफी में नहीं घुसेगा अपन, अपन देखिएगा कि भाई ऐसा है कि ह्यूमंस भी अमेजिंग फील करते हैं कब, जब देखते हैं कि भैया इतना सारा एनिमल प्रेजेंट है, ठीक है सर। अगला क्या है देख भाई, क्या लिखा है, मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट है भाई इस धरती पे। बिलीव होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन है भैया, है ना। फिर क्या हमने बोला, हमने बोला सर ऐसा है कि 3 लाख तरीके का बीटल है सर। हाँ सर बहुत अच्छी बात है सर। 28,000 तरह की मछलियां हैं सर। 20,000 तरीके का ऑर्किड है। ये बताने का मतलब क्या है, ये बताने का मतलब है कि आप सोचो क्या डाइवर्सिटी का मतलब है, कितना मतलब कितना अमेजिंग चीज है, 20,000 तरीके की चींटियां। अब जब आप इतना सारा चीज देखते हो ना, तो एक सवाल आता है दिमाग में। क्या आता है सर सवाल दिमाग में, कि इनसे फायदा क्या है ना, मतलब कि अगर इतनी तरीके की इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसका फायदा क्या है, कोई फायदा है भी कि नहीं है। या फिर एक सवाल और आता है दिमाग में कि हमको क्या फायदा है, ह्यूमंस को क्या फायदा है। एक सवाल और दिमाग में आता है कि इतना सारा जो तुम देख रहे हो कि 20,000 तरह का चींटी है, 3 लाख तरह का बीटल है, 28,000 तरह की मछलियां हैं, 20,000 तरह का ऑर्किड का प्लांट है, ऑर्किड एक प्लांट है, जानवर नहीं समझ जाना तुम, ठीक है, ऑर्किड एक प्लांट है, तो क्या ये शुरू से हैं, जब से धरती बना है शुरू से हैं, कि हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, ये भी सवाल है। और क्या सवाल है सर, सवाल ये है कि कोई एक जगह है, अगर वहां कम स्पीसीज है, क्या है वहां कम डाइवर्सिटी है, कम स्पीसीज है, कम जानवर रहता है एक जगह पे, जहां तरह तरह के जानवर ढेर सारे रहते हैं, तो फायदे में कौन है, ज्यादा वाला कि कम वाला, ये भी जानना है सर। ये सारे सवाल हैं जो कि बिटवीन द चैप्टर हम जानेंगे, ठीक है भाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया सुन के। आगे देखिए, ये देखो एंट, बुलेट एंट है भाई, बुल एंट है, बुलेट एंट है ना, ग्रीन हेड एंट है ना, डायनासोर एंट है। यार अब याद नहीं करना इसको, ये नहीं कि लिख लिया और रट्टा मारने लगे, नहीं, इसको बताया मैंने कि एंट इतनी। तो बिटल देखो, ग्राउंड बिटल है, स्किन बिटल है, स्टैग बिटल है ना, लीफ बिटल है, क्लिक बिटल है, सोल्जर बिटल है, इतने सारे बिटल है, रेन बिटल है, देख इतने तरह के बिटल है। ये बस बताने के लिए फिगर डाला गया कि आपको समझ आए कि क्या पढ़ क्या रहे साला, है ना। ये नहीं कि बस पढ़ रहे, नहीं, फील करो क्या पढ़ना क्या है अपन को, है ना। देख ध्यान से, ये देख ऑर्किड का प्लांट है, देख सब ऑर्किड है, अलग अलग तरीके का ऑर्किड है, देख 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 सब अलग अलग तरीके का ऑर्किड, देख ए से लेके वाई तक दिया हुआ इसमें।
फील करना क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देख क्या लिखा हुआ है। इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतना सारा विविधताएं हैं, इतना ज्यादा तरह का एनिमल्स पाया जा रहा है, इसका कोई इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका आंसर हमको जानना है, क्या वाई आर देयर सो मेनी स्पेसीज, इतने सारे स्पेसीज क्यों हैं, जानेंगे जैसे ही चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे ना, इन सब सवालों को जानेंगे। क्या शुरू से इतना प्रेजेंट है, हाउ डिड द इतना सारा डाइवर्सिटी आया कैसे, ठीक है, आया कैसे, इंपॉर्टेंट कैसे है और क्यों है इस बायोस्फेयर की, इस बायोस्फेयर जहां हम रहते हैं यहां पे इतना सारा स्पेसीज है, ये जरूरी क्यों है और कैसे जरूरी है ये जानेंगे। और क्या अगर वुलिट फंक्शन, यानी क्या अगर यहां डाइवर्सिटी, अगर यहां पे स्पेसीज कम हो जाएं, अगर चींटियां 20,000 से घट के 5,000 आ जाएं, बीटल 3 लाख से घट के 1 लाख पे आ जाए, तो क्या कोई दिक्कत होगा, ये भी जानेंगे। जानेंगे आगे हम, अभी इन सब का आंसर नहीं मिलेगा इस लेक्चर में, आई नो ब्रो, आगे जानेंगे। आगे देखो, हाउ डज ह्यूमन, अब बोला कि भैया ऐसा कि हमको क्या फायदा भाई, है ना, होता ना कि साला हमको क्या फायदा, तो वो भी जानना, हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इतना सारा विविधता है हमको क्या फायदा, है ना। देखो अब ये टॉपिक है अपना बायोडाइवर्सिटी 15.1, प्यार से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखो। इन आवर बायोस्फेयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पेसीज लेवल बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल टू बायोम्स। उसने बोला कि आप उतनी देर से सुन रहे हो इतने तरह का स्पेसीज है, इतने तरह का स्पेसीज है, बीटल्स की इतनी स्पेसीज है, एंट की इतनी स्पेसीज है, मछली की इतनी स्पेसीज है, तो जो डाइवर्सिटी है ना, इतना तरह का, इतना तरह का, इतना तरह का, सिर्फ स्पेसीज के लेवल पे नहीं है, सेल पड़ा है ना रे, सेल के लेवल पे भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह का सेल पाया जाता है, समझा। सेल के अंदर जाओगे ना तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लेवल पे डिफरेंसेस हैं, इसमें अलग मॉलिक्यूल, इसमें अलग मॉलिक्यूल, इसमें अलग मॉलिक्यूल, इसमें अलग मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स के लेवल पे डाइवर्सिटी है, सेल्स के लेवल पे डाइवर्सिटी है, समझ आ रहा है, स्पीसीज के लेवल पे डाइवर्सिटी है, समझे, प्रोटीन के लेवल पे डाइवर्सिटी है यार, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है उसके लेवल पे डाइवर्सिटी है, हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड है ना, मैंने पढ़ाया 20 तरह का अमाइनो एसिड होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसके लेवल पे डाइवर्सिटी है। तो आप ये अगर सोच रहे हो कि डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज के लेवल पे होगा, नहीं, मॉलिक्यूल्स से आप बायोम्स तक जाओगे। अब बायोम का मतलब क्या होता है सर, देख जिसको पढ़ाया है उसको तो मालूम होना चाहिए, वरना ही जब फेंक के थप्पड़ मार देगा दांत पे टूट जाएगा उसका, और जिसने नहीं पढ़ाया, जिसको मैंने नहीं पढ़ाया उसके लिए बता रहा हूं, देख बायोम्स का सिंपल सा मतलब है ऐसी इकोसिस्टम जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री है। अब बोलेगा इकोसिस्टम का मतलब क्या है सर, जब इकोसिस्टम बता दूंगा तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब पूछेगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बता दूंगा तो पॉपुलेशन का मतलब पूछेगा, पॉपुलेशन बता दूंगा तो ऑर्गेनिज्म का मतलब पूछेगा, ऑर्गेनिज्म तो देख शुरू से बताता हूं क्या, देख एक सिंगल स्पीसीज, एक सिंगल इंडिविजुअल, मान सिंगल इंडिविजुअल मैं हूं, ठीक है, एक ह्यूमन बींग हूं, ठीक है, मेरे जैसे जब बहुत सारे हो जाएंगे इकट्ठा एक जगह पे हो जाएंगे, तो मैं बोलूंगा ये ह्यूमन का पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग हो, ठीक है, मान ले तुम हो, जैसे तुम बंदर हो, तो तुम्हारे जैसा बंदर जब एक जगह, और मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदर है, ठीक है, तुम नहीं बंदर हो, एक बंदर है, ठीक है, और उसके जैसे बहुत सारे बंदर जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे बंदरों की पॉपुलेशन है, क्या है, बंदरों की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब जब आप एक जगह पे खड़े हो, आप वहां पे देख रहे हो कि एक जगह पे ह्यूमन की पॉपुलेशन है, एक जगह पे बंदर की पॉपुलेशन है, एक जगह पे प्लांट्स की पॉपुलेशन है, सब पॉपुलेशन को आप देख रहे हो एक ही जगह पे, एक समय पे आप खड़े हो और आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे बंदर की पॉपुलेशन है, यहाँ पे हाथी की पॉपुलेशन है, यहाँ पे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, यहाँ पे एंट्स की पॉपुलेशन है, तो वो कहलाएगा बायोलॉजिकल कम्युनिटी, क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। फिर आपने देखा कि वो जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है ना, बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब क्या, सबकी पॉपुलेशन को आप देख रहे हो, वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है। जब आपने देखा कि वो जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है ना, अपने इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन कर रही है, इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन का मतलब सर, इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन का मतलब है कि वो क्या कर रही है कि बंदर है ना, वो पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ से चढ़ गया, मिट्टी में कूद गया,
ठीक है। जो हाथी था वो गया पानी पीने लगा, ठीक है। चीटिया है वो आराम से एकदम सन के सामने खड़े होकर एकदम सन से वो सन सन से एक रही है, अपना सन सन बात होता है ना, वो ले रही है। तो ये क्या है, ये अपने क्या बोलते हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्शन करना है। तो जब आप देखते हो कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करती है, तो उससे एक वर्किंग सिस्टम बनता है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, जो लास्ट चैप्टर हमारा था। अब ऐसी इकोसिस्टम जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होगी, क्या होगी, अपनी नेचुरल बाउंड्री होगी। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, क्या मैंने कहा डेजर्ट। अब डेजर्ट का ऐसा नहीं है कि आपने तय कर लिया कि भाई डेजर्ट का यहां से यहां तक डेजर्ट रहेगा, उसके आगे नहीं रहेगा, नहीं। डेजर्ट में क्या है कि डेजर्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री है, उसको कहते हैं बायो। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होगी उसको कहते हैं बायो, ठीक है सर, समझ गए। अब एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, क्या थे, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। क्या नाम था, एडवर्ड विल्सन। सोशियो बायोलॉजिस्ट का मतलब सोशल पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए, सोशल पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप क्या है, उसको पढ़ना कहलाता है सोशियो बायोलॉजिस्ट। वो कौन थे, एडवर्ड विल्सन थे, और उन्होंने बायोडायवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया, और उन्होंने बताया कि कौन कौन से लेवल्स पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लेवल पे डाइवर्सिटी है। उन्होंने बताया कि स्पीसीज के लेवल पे डाइवर्सिटी है, उन्होंने बताया कि जीन्स के लेवल पे डाइवर्सिटी है, उन्होंने बताया कि इकोलॉजिकल लेवल पे डाइवर्सिटी है। तो उन्होंने बताया, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उनके बताए हुए वो तीन थे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको पढ़ना है, स्पेसिस डाइवर्सिटी हमको पढ़ना है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या, बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज बाई एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कॉम्बाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल्स। सारे लेवल्स पे उन्होंने बताया कि आखिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा लेवल्स पे डाइवर्सिटी है। तो तीन हमको इंपॉर्टेंट पता करना है, हमको मतलब जानना है, कौन कौन से, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिस डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सब एनसीईआरटी है बाबू, देख लोगो लगा हुआ है यहां पे। आगे देख सर, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देख ध्यान से सुनना। अ सिंगल स्पेसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। क्या लिखा उन्होंने, उन्होंने बोला एक सिंगल स्पेसीज है उसमें भी उसके जीन्स के लेवल पे आपको हाईली डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, सब के सब ह्यूमन बींग है लेकिन सब अलग अलग दिखते हैं। तुम बंदर की तरह दिखते हो ना, अरे चलो मेरे को पता है बुरा लग सकता है, ठीक है, बंदरों को, इसलिए बंदरों को तुम में मिलाना गलत बात नहीं, मिलाना है बंदरों को बुरा लग सकता है, ठीक है। तो क्या बोला कि एक स्पेसीज में, एक सिंगल स्पेसीज को देखो उसके जीन्स के लेवल पे भी डाइवर्सिटी है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या लिखा है देख, द जेनेटिक वेरिएशन सोर्स बाय द मेडिसिनल प्लांट। एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, एक मेडिसिनल प्लांट है, इससे हमको मेडिसिन मिलता है, ठीक है, जो कि हिमालय के साइड ग्रो करता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर ना केमिकल होता है रेस्प्रिन नाम का। अब देख क्या मैंने बोला, आपने क्या बोला, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब आप क्या जानते हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब जानते हो कि एक स्पीसीज है उसके जीन्स के लेवल पे डिफरेंसेस होंगी, विविधताएं होंगी, इतने तरह तरह का जीन्स होगा, उसको बोलते हैं हम स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, सॉरी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जब एक स्पीसीज के अंदर जीन्स के लेवल पे डाइवर्सिटी होगा तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, उसका एग्जाम्पल दिया रोवोल्फिया वोमिटोरिया, एक मेडिसिनल प्लांट है जिससे हमको मेडिसिन मिलता है। कौन सा मिलता है भैया, तो हमको केमिकल मिलता है रेस्प्रिन नाम का। क्या नाम का सर, रेस्प्रिन नाम का, ठीक है, वो हार्ट हार्ट वर्ड का मेडिसिन होता है ये, ठीक है, एक एक्टिव केमिकल है रेस्प्रिन इस प्लांट में। अब क्या होता है ना कि आप ध्यान दोगे तो जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया है ना, उसके हर प्लांट में जो रेस्प्रिन का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो अलग अलग होता है। वही लिखा है देख, हिमालय रेंज का है, माइट बी टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेस्प्रिन दैट द प्लांट प्रोड्यूस।
उसने बोला रोवोल्फिया वोमिटेरिया जो है ना, वो जो हिमालय में ग्रो करने वाला जो प्लांट है, उसके हर स्पेसीज में जब आप जाओगे ना, एक स्पेसीज है रोवोल्फिया वोमिटेरिया, उसके जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके प्लांट्स में अलग अलग जो पोटेंशियल अलग अलग होता है, कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, किसका? एक एक्टिव केमिकल रेस्पिरिन का। किसका? रेस्पिरिन का। अब हमने बोला इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। हमने बोला राइस की भी अलग अलग वैरायटी है, कितनी भाई? तो 50,000 तरीके की तो सिर्फ और सिर्फ राइस का स्ट्रेन है, 1,000 तरीके का तो मैंगो पाया जाता है। तो ये क्या है? मैंगो एक स्पेसीज है, राइस एक स्पीसीज है, रोवोल्फिया वोमिटेरिया के स्पेसीज है, और एक स्पेसीज के अंदर जब आप जाते हो तो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जीन जेनेटिकली डिफरेंस है ना, जीन्स के लेवल पर डिफरेंस है। तो कोई आपसे पूछता है कि राइस 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है राइस की, ये क्या बताता है आपको? तो ये बताता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। 1,000 तरह का मैंगो पाया जाता है, ये क्या बताता है? ये बताता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। रोवोल्फिया वोमिटेरिया एक मेडिसिनल प्लांट है, जिससे हमको मेडिसिन मिलता है, रेस्पिरिन नाम का केमिकल मिलता है उसमें। जब आप जाओगे ना, ये एक स्पेसीज है रोवोल्फिया वोमिटेरिया, उसके अंदर जब जाओगे ना, उसके जो प्लांट्स होते हैं बहुत अलग अलग तरह के, उसकी जो डिफरेंट वेराइटी होती है रोवोल्फिया वोमिटेरिया के, उन वेराइटीज में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन और अलग अलग पोटेंशियल में ये केमिकल चल रहा है। तो ये तीन जो एग्जाम्पल है किस चीज को एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। किसको? जेनेटिक डाइवर्सिटी को। ठीक है, ये क्या है? रोवोल्फिया वोमिटेरिया प्लांट का फिगर है। ठीक है सर, आगे देखिए। स्पेसिस डाइवर्सिटी का मतलब सर, द डाइवर्सिटी एज द स्पेसिस लेवल। जब डाइवर्सिटी आएगा स्पेसिस के लेवल पे, तो हम उसको बोलेंगे स्पेसिस डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? स्पेसिस डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वेस्टर्न घाट में जाते हो, कहां जाते हो? वेस्टर्न घाट में जाते हो, तो वहां एम्फीबियंस की जो स्पेसीज है, अब क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में आपको एम्फीबियंस पढ़ना था, ठीक है? फ्रॉग आता है उसमें, टोडोज आता है, सेलेमेंडर आता है, एम्फीबिया में आता है। तो होता क्या है कि जब स्पेसीज के लेवल पे डाइवर्सिटी, देखो जीन्स के लेवल पे डाइवर्सिटी था तो जेनेटिक डाइवर्सिटी था। स्पेसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जब डाइवर्सिटी आपको स्पेसीज के लेवल पे देखने को मिलेगी। किसके लेवल पे देखने को मिलेगी? स्पेसीज के लेवल पे देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल भाई, क्या तो वेस्टर्न घाट हैज अ ग्रेट एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। मतलब ईस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की स्पेसीज कम है और वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की स्पेसीज ज्यादा है। ये किसको बताता है? ये बताता है स्पेसीज डाइवर्सिटी को। फर्क आता है, फिर आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या आता है भाई? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दो पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा स्पेसीज डाइवर्सिटी, फिर क्या पढ़ा आपने? आपने फिर पढ़ा क्या? सबसे पहले आपने पढ़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर क्या आपने पढ़ा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में तुमने पढ़ा कि भाई ऐसा है, जीन्स के लेवल पे जब डाइवर्सिटी होगा तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंगो एक स्पीसीज है, उसके बहुत सारी वेराइटी है। राइस एक स्पीसीज है, उसकी बहुत सारी वेराइटी है। रोवोल्फिया वोमिटेरिया एक मेडिसिनल प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जाओगे तो उसकी अलग अलग वेराइटी है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? तो जीन्स के लेवल पर डिफरेंसेस था। मैं एक ह्यूमन बींग हूं और मैं अपने भाई से अलग दिखता हूं, क्यों? जीन्स के लेवल पर डिफरेंस है। मैं तुमसे अलग दिखता हूं, क्यों? जीन्स के लेवल पर डिफरेंसेस है। तो वो था जेनेटिक, क्या था? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब मैं बात कर रहा था कि स्पीसीज की, मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला कि जब आप एम्फीबियंस में जाते हो तो एम्फीबिया में बहुत सारे स्पीसीज आते हैं उसके अंदर, फ्रॉग उसी में आता है, सेलमेंडर उसी में आता है। तो एम्फीबियंस की स्पीसीज की बात करूं, जब आप स्पीसीज के लेवल पे बोलोगे डाइवर्सिटी की, स्पीसीज इतनी तरह की स्पीसीज है, इतनी तरह की स्पीसीज है, तो कहलाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। अब आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब आप इकोसिस्टम के लेवल पे बोलोगे, किसके लेवल पे बोलोगे? इकोसिस्टम क्या होता है सर? बायोलॉजिकल कम्युनिटी जब अपने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करती हैं और उससे एक वर्किंग सिस्टम को बनाती है, उनको क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम बोलते हैं। डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है बट वो मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है, वेटलैंड एक इकोसिस्टम है, कॉरल रीफ एक इकोसिस्टम है, एस्टुअरीज एक इकोसिस्टम है। एस्टुअरीज सबके बारे में बताऊंगा कौन क्या होता है, ठीक है। तो क्या मैंने बोला भाई? ऐसा है कि जब आप इकोसिस्टम के लेवल पर डिफरेंसेस की बात करोगे, जैसे इंडिया है,
इंडिया के पास इतना इकोसिस्टम है, इतना तरह तरह का इकोसिस्टम है कि बता नहीं सकते हैं। बताएंगे जो कि आपको नॉर्वे जैसे कंट्री में जाओगे, जो कि यूरोपियन कंट्री है, जो कि पूरा ठंडा इलाका है, ठीक है, वहां इतनी इतने तरह का इकोसिस्टम देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट नॉर्वे में नहीं है, इंडिया में है, ठीक है। वेटलैंड नॉर्वे में नहीं है, नॉर्वे में जाओगे तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब यूरोपियन साइड की कंट्री की बात, नॉर्वे की बात बोलूंगा, तो वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, वहां इतने तरह का इकोसिस्टम नहीं जितना इंडिया के पास है। तो इंडिया के पास कितने तरह के इकोसिस्टम है, बहुत तरीके के इकोसिस्टम है, बहुत तरीके के। क्या क्या भाई? तो जैसे डेजर्ट है इंडिया के पास, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रूव्स है मतलब सुंदर वन है, कोलर रीफ है, वेटलैंड है, एस्टुरीज है, एल्पाइन मीडियो है, तो इतना तरह का हमारा क्या इकोसिस्टम है। तो इंडिया के पास इतना तरह का इकोसिस्टम है, इतना तरह का इकोसिस्टम है। किसके लेवल में बात कर रहे हो? स्पीसीज के लेवल में बात नहीं कर रहे हो तुम जीन्स के लेवल में बात नहीं कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो इकोसिस्टम के लेवल पे कि इतना तरह का इकोसिस्टम है। तो मतलब क्या कहलाया? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या कहलाया? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समझ में आया? तो जब आपने जीन्स के लेवल पे डाइवर्सिटी की बात की, तो आपने क्या बोला? आपने बोला जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब आपने बात की स्पेसीज के लेवल पे, तो आपने बोला स्पेसीज डाइवर्सिटी। अभी हम बात करें इकोसिस्टम के बारे में, कितने तरह का इकोसिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, तो कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया की बात बोले तो इंडिया के पास रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, एस्टुअरीज है, वेटलैंड है, ठीक है, कोरल रीफ है, मैनग्रूव्स है, एल्पाइन मीडो है। क्या होते हैं ये सब मैं बताऊंगा आपको डिटेल। देख, बायो को ऐसे पढ़ना है कि आपको पहले से कुछ नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, मान के चलो आपको जीरो पता है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जबकि ऐसी डाइवर्सिटी आपको स्कैंडियन कंट्रीज मतलब यूरोपियन कंट्री लाइक नॉर्वे में देखने को नहीं मिलेंगी। नॉर्वे में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अब क्या होता है, देख, रेन फॉरेस्ट डेजर्ट तो आप जानते हो, ये झूठ नहीं बोल रहे, डेजर्ट तुम जानता है, डेजर्ट नहीं लिखा इसमें मैंने, ठीक है, लिखते हैं मेरे को शर्म आई थी डेजर्ट, इसलिए मैंने काट दिया कि यार तुमको डेजर्ट के बारे में तो पता ही होगा, तुमने डेजर्ट देखा होगा। रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लोज एंड कंटिन्यूस ट्री कैनोपी, मॉइस्चर डिपेंडेंट वेजिटेशन, पंजेस ऑफ इफीफाइट्स एंड लाइनेस एंड द एब्सेंट ऑफ वाइल्ड फायर। देख, सिंपल समझ, रेन फॉरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि घना जंगल। क्या घना जंगल? जहां मॉइस्चर ही मॉइस्चर है, मॉइस्चर नमी है, क्या है, नमी है। और वहां वाइल्ड फायर मतलब वहां जंगलों में आग नहीं लग सकती है, जहां पे जंगलों में आग नहीं लग सकती वो है रेन फॉरेस्ट। क्या है? रेन फॉरेस्ट। मैनग्रोव्स क्या होता है सर? तो हमने बोला ट्रीज, नमी वाले इलाका में, जहां पे देखो ये जो तुम्हारा ये ना ये वाला, तो ये इलाका क्या है, ये पानी वाला है, और पानी के किनारा पे देख रहे हो तुम पेड़ लगे हुए हैं बड़े से, तो एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर देखा हो ना, अ ट्रॉपिकल ट्री दैट ग्रो इन द वेट ग्राउंड, गीली जमीन में ग्राउंड, और किसके, एट द एज ऑफ रिवर, रिवर के किनारे, और कुछ रूट वाले, कुछ हैव सम रूट्स दैट हैव एबव द ग्राउंड, रूट वाले प्लांट होंगे और रूट जो होगा ना थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर होगा। ये तुम्हारा क्या है, मैनग्रूव्स है, ठीक है, मैनग्रूव्स है। तो मैनग्रूव क्या है, एक ऐसा इलाका जहां नदी के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, रूट थोड़ा सा जमीन से ऊपर है, ठीक है, रिवर्स एंड हैव सम रूट दैट आर एबव ग्राउंड, ठीक है। कोरल रीफ का मतलब क्या होता है, बच्चा पूरा कंफ्यूज रहता है कोरल रीफ को लेकर के, अ रिजिड ऑफ रॉक इन द सी फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोरल्स। उसने बोला एक रॉक चट्टान बना हुआ है किसके, कोरल्स के डिपोजिशन मतलब कोरल्स जमा हो गए हैं जिसके डिपोजिशन से एक चट्टान टाइप बना गया, रॉक टाइप बन गया, रिजिड रॉक बन गया, उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। अब कोरल क्या होता है, गधों देखो बता रहा हूं, हार्ड रेड पिंक व्हाइट सब टान डेट फॉर्म इन द सी फ्रॉम द बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल एंड सी एनिमल, लाल पिंक उजला सब टांस जो सी के अंदर बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो ये छोटे मोटे जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, उनकी बोन इकट्ठा हो जाती है, उसको कहते हैं कोरल, और वही कोरल जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जिससे पूरा का पूरा एक रॉक टाइप का बना होता है, उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ इंडिया में है। वेटलैंड का मतलब क्या है, वेटलैंड इकोसिस्टम जो पानी से भरा हुआ है, परमानेंटली भरा हो सकता है, मे बी सीजनल हो सकता है कि बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं वेटलैंड। ऐसा जगह जहां पे पानी वानी भरा था उसको वेटलैंड बोलते हैं। स्टोरी का मतलब क्या होता है, देखो स्टोरी का मतलब वो होता है कि नदी का वो पार्ट
वो पार्ट जो चौड़ा होता है और जाके समंदर से मिलता है, किसे मिलता है, नदी का वो किनारा जो चौड़ा होता है, वाइड, नदी का वाइडेस्ट पार्ट जो समंदर से जाके मिल रहा है, उसको बोलते हैं एस्टुअरीज। क्या बोलते हैं? एस्टुअरीज बोलते हैं। ये भी एक इकोसिस्टम है। एल्पाइन मीडो का मतलब क्या होता है? एल्पाइन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल रीजन या बायोम बोलो, जहां पे आपको ट्रीज नहीं होंगी और वो हाई एलिवेटेड होगा, ऊंची वाली जगह पे होगा, ट्रीज नहीं होंगे ऊंची वाली जगह पे, उसको बोलते हैं एल्पाइन मीडो। ये क्या है? ये नॉर्वे है आपका। क्या है? ये नॉर्वे है भाई। ठीक है, अब एनसीईआरटी में आते हैं, क्या लिखा हुआ है? आपने तीन तरह का डाइवर्सिटी पढ़ा, स्पीसीज पढ़ा, जेनेटिक पढ़ा आपने, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ा। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एकुमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन द नेचर, बट वी कुड लूज ऑल ऑफ द वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लूजेस कंटिन्यूस। उसने क्या बोला? इट इज टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू इवोल्यूशन टू एकुमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लॉस ऑल ऑफ द वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी। देखो, उसने बोला कि इतना सारा डाइवर्सिटी जो आपने देखा कि भाई एंट की इतनी स्पीसीज है, मैंगो इतना तरह का है, एंट्स इतनी तरीके की हैं, प्लांट्स इतने तरीके के हैं जो आप देख रहे हो, ठीक है, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगा है, कई करोड़ वर्ष गुजरे हैं, इवोल्यूशन हुआ है, तो इतना चीजें आपके सामने दिख रही हैं, वो बने हैं, इतनी डाइवर्सिटी आई है, और ये 2 दशक में, 2 सेंचुरीज में खत्म हो जाएंगी। कैसे? जिस रफ्तार से ये खत्म हो रहे हैं, जिस रफ्तार से हम इनको खत्म कर रहे हैं, अगर ऐसे ही खत्म करते रहे, इनको बचाया अगर नहीं गया, तो ये अगले 2 सेंचुरी में खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, तो करोड़ों वर्ष का समय लगा इतनी डाइवर्सिटी को बनाने में, और ज्यादा नहीं, बस 2 सेंचुरी लगेगा इनको खत्म करने में, जिस हिसाब से ये खत्म हो रही है, चाहे हमारे कारणों से या किसी और कारणों से। ठीक है, तो लिखा हुआ इट हैज टेक मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन, बहुत इवोल्यूशन, इतने चीजों को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगा है, इतनी रिच डाइवर्सिटी को बनने में, बट वी कुड लॉस ऑफ देम वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी से कम का समय लगेगा, हम सबको खत्म कर देंगे अगर इस रेट से स्पीशीज का लॉस होता रहा, तो जिस रेट से अभी हो रहा है। ठीक है, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, हो सकता है कि 2-3 स्पीशीज खत्म हो गई होंगी। ठीक है, तो जिस रफ्तार से स्पीशीज का लॉस हो रहा है, अगर ऐसे ही होता रहा, तो 2 दशक में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वर आर नॉट वाइटल इन्वायरमेंटल इश्यू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एज पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी फॉर द सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ द प्लांट। उसने बोला ऐसा है कि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है इंटरनेशनल कंसर्न के लिए भी। ठीक है, जैसे जैसे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एज मोर पीपल आर वेल बिंग टू रियलाइज दैट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट, और जैसे जैसे लोग बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को जान रहे हैं, क्योंकि जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानोगे तो फिर खत्म हो जाएगा, तो हमको बड़ परेशान है। तो वही लिखा उन्होंने, उन्होंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी एज कंसर्न आर मोर वाइटल इन्वायरमेंट इशू ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एज पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ द प्लांट। उसने बोला कि लोग अब जान चुके हैं कि हमारे सर्वाइवल के लिए, इस प्लानट के अस्तित्व में रहने के लिए, ये बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये आपका अर्थ है पूरा का पूरा, अर्थ का जो बीच वाला हिस्सा ना, ये लाइन जो है, इसको कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बाबू? इक्वेटर बोलते हैं। देख, अब कुछ चीज नया समझा रहा हूं, ध्यान देना। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर, और ये पोल है। ये क्या है? ये पोल है। ब्लू में रेड कर देता हूं, रुक जाओ। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? पोल है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, देखो ऐसे अगर मैं जाऊं, तो क्या तुम बोलोगे? तो सर आप, ऐसा हो रहा है ना कि आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करो। किधर मूव कर रहे हो? इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है सर, अगर मैं ऐसे एरो बना दूं, तो तुम बोलोगे सर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, कोई तकलीफ नहीं है हमको। हमने बोला कि भैया जो बीच से लाइन गुजरा है ना, जो बीच से लाइन गुजरा है, जो बीच से लाइन गुजरा है, ये इक्वेटर है, ये पोल है, ये पोल है। तो ये जो इक्वेटर है ना, जब ऐसे मैं एरो बनाता हूं, तो आप बोलोगे सर आप इक्वेटर से जो है पोल की तरफ मूव कर रहे हो। आप जब ऐसे बोलोगे, ये वाला एरो, बी वाला एरो, बी वाला एरो जब आप देखते हो, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि आप पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। और चैप्टर नंबर 13 में मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने क्या बताया था?
मैंने बताया था कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, किधर से किधर मूव करते हो, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, ठीक है, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो तो टेम्परेचर घटता है, और जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ मूव करोगे तो टेम्परेचर घटेगा, और पोल से जब आप इक्वेटर की तरफ मूव करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत मजा आया, चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनने में सर, है ना। अच्छा, ये इक्वेटर है मान लिया, उसके बाद क्या होता है, ये ट्रॉपिकल जोन है। क्या है ये? ट्रॉपिकल जोन है। तो इक्वेटर के बाद आता है ट्रॉपिकल, क्या आता है? ट्रॉपिकल, फिर आता है टेम्परेट, और फिर आता है पोल। क्या मैंने बोला? मैंने बोला सर ऐसा है कि इक्वेटर के बाद आएगा ट्रॉपिकल वाला रीजन, ट्रॉपिकल के बाद आएगा टेम्परेट वाला रीजन, उसके बाद आएगा पोल। ट्रॉपिकल और टेम्परेट आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे इन्हीं शब्द का यूज होगा, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, ये है, लंद है, फंद है, याद होगा, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, इक्वेटर के बाद आएगा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बाद आएगा टेम्परेट, और टेम्परेट के बाद क्या आएगा? पोल आएगा। तो मैंने कहा था कि सर इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ मूव करते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। तो इसका मतलब सर ट्रॉपिकल का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेम्परेट। बिल्कुल सही, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि टेम्परेट का टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। मतलब गर्मी कहां ज्यादा होगी? ट्रॉपिकल में ज्यादा होगी। ठंडा इलाका कौन होगा? टेम्परेट बोला। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट, टेम्परेट के बाद पोल, और इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो टेम्परेचर घटता है। तो मैंने क्या बोला, ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज्यादा, सबसे ज्यादा इक्वेटर पे, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल पे टेम्परेचर, ट्रॉपिकल से कम कहां टेम्परेट, टेम्परेट से कम कहां पोल, ठीक है सर। तो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो पहले मिलता है ट्रॉपिकल, फिर मिलता है टेम्परेट, फिर मिलता है पोल, ठीक है सर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सेम चीज नीचे भी मूव करो तो वही है। अब क्या डाइवर्सिटी का कोई संबंध है? क्या स्पेसीज का कोई मतलब, क्या आप ऐसा, जैसे आपने टेम्परेचर के बारे में बोला ना सर, ये कि मैंने बोला कि इक्वेटर से मूव करोगे पोल की तरफ, किधर से किधर मूव करोगे? इक्वेटर से मूव करोगे सर पोल की तरफ तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, आपने ऐसा बोला, ठीक है सर, आपकी बात मैंने मान ली। क्या बायोडाइवर्सिटी का रिलेशनशिप है कोई, मतलब सर, मतलब क्या इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करने में बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ता है? क्या जीव जंतु कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? तो मैं कहूंगा कम होते हैं। मतलब सर, मतलब ये कि जितने जानवर, जितने तरह के जानवर आपको इक्वेटर पे मिलेंगे, जैसे जैसे आप पोल की तरफ मूव करोगे वो कम होता रहेगा। मतलब सर, मतलब बायोडाइवर्सिटी घटती है जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे, जैसे टेम्परेचर के बारे में कहा था, टेम्परेचर भी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करने पे घटता है, और बायोडाइवर्सिटी भी, स्पेसीज रिचनेस भी। मतलब अगर मैं कहूं इक्वेटर पे 1,000 स्पेसीज मिलते हैं ना, तो पोल पे हो सकता है कि 10 मिले, या तो हो सकता है नहीं मिले। तो क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है सर, कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो तो बायोडाइवर्सिटी घटती है, स्पेसीज रिचनेस घटता है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो मिलते हैं वो घटने लगते हैं। मतलब सर, मतलब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उससे कम ट्रॉपिकल में, उससे कम टेम्परेट में, उससे कम पोल में। मतलब जैसे जैसे पोल की तरफ मूव करोगे बायोडाइवर्सिटी घटेगी, याद रखेंगे। तो हमने बोला कि सर जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे तो बायो डाइवर्सिटी घटेगी सर, और जब पोल से इक्वेटर मूव करेंगे सर तो बायो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, कोई तकलीफ नहीं है। जैसा टेम्परेचर वैसे ही बायोडाइवर्सिटी भी। क्या सर? इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करने पे टेम्परेचर भी घटता है और बायोडाइवर्सिटी भी घटती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, शुरू से बोलता बोलता रहूं, अब नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है। फिर क्या मैंने बोला, तो इसका मतलब सर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो, मतलब
इक्वेटर से ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल से टेम्परेट में, टेम्परेट से पोल में, मतलब सर टेम्परेट में स्पेसीज या फिर बोले बायोडाइवर्सिटी टेम्परेट में सर कम होगा, ट्रॉपिकल में ज्यादा होगा, इक्वेटर में सबसे ज्यादा होगा। और अगर उल्टा जाए तो हम बोलेंगे इक्वेटर में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी सर, उससे कम ट्रॉपिकल में, उससे कम टेम्परेट में, उससे कम पोल में। समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, कितने स्पीसीज हैं और कितने इंडिया में है। तो हमने बोला सिंस दे आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ, अब थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ देखो, सिंस दे आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन द हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार, बट इज दिस आंसर क्वेश्चन। उसने बोला ऐसा है कि जो पब्लिश रिकॉर्ड है अगर उसको देखें तो कितने स्पेसिस डिस्कवर हो चुके हैं, कितने स्पेसिस को हम जानते हैं, ये तो हम जान सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज्यादा कोई बड़ी बिग डील नहीं है कि नहीं जान पाएंगे, ये जानते हैं कि जितने का रिकॉर्ड है उतना हम जानते हैं, लेकिन कितना और बाकी है इसका आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या लिखा हुआ है, सिंस दे आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पेसिस डिस्कवर एंड नेम्ड, वी नो हाउ मेनी स्पेसिस इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इज नॉट, कितने कितनों को हम ढूंढ चुके हैं ये जानना, ये कितने को हम जानते हैं, मतलब कितने को हम ढूंढ लिए ये तो हम जानते हैं क्योंकि हमारा उनके पास रिकॉर्ड है, लेकिन कितने नहीं मिले हैं और कितने मिलेंगे, मतलब कितने नहीं मिले ये बताना थोड़ा मुश्किल है। इट इज नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन की कितने और बाकी हैं ढूंढने के लिए, इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर क्या भाई, अकॉर्डिंग टू IUCN, अब इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 में उन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पेसीज जो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने डिस्कवर किए हैं, 1.5 मिलियन। ठीक है, हमने कितने डिस्कवर कर लिए हैं भाई, तो 1.5 मिलियन। हमने बोला कि पूरे टोटल प्लांट और एनिमल अगर मिला दे तो हमने 1.5 मिलियन है, उसे थोड़ा सा ज्यादा हमने डिस्कवर किया है। कितने और बाकी है, कितने और इंतजार कर रहे हैं कि भैया आओ हमको खोजो, ये बता पाना मुश्किल है। ठीक है, नो क्लियर आइडिया अबाउट हाउ मेनी स्पेसिस येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, कितनों को जानना इंपॉर्टेंट है, कितनों को खोजना मतलब कितनों को खोजना है, कितनों को जानना है, ये कितने हैं हम नहीं बता सकते हैं। तो कितने खोज लिए हैं, 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा, कितने बाकी हैं खोजने के लिए ये नहीं पता है भैया। और इस्टिमेटेड वाज वाइडली, बहुत अब कितने हैं ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हो सकता है कि हमारा गेस हो। ठीक है, तो इस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एडुकेटेड गेस। उसने बोला कि जो हम अनुमान लगाते हैं कितना बाकी है डिस्कवर करना, ये सिर्फ हमारा गेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पेसिस इन्वेंट्री आर मोर कंप्लीटेड इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। क्या बोला देख, इसी चीज के लिए तेरे को टेम्परेट और तेरे को ट्रॉपिकल समझाया। सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि कहां डाइवर्सिटी ज्यादा है, ट्रॉपिकल में ज्यादा है कि टेम्परेट में ज्यादा है, बताओ कहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब कहां स्पेसीज ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, टेम्परेट में कि ट्रॉपिकल में। जिसने भी टेम्परेट बोला है ना, दांत तोड़ दूंगा मार के। मैंने कहा कहा इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट, टेम्परेट के बाद पोल, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो स्पेसीज घटता है, बायोडाइवर्सिटी घटती है, तो टेम्परेट में स्पेसीज कम होंगे, ट्रॉपिकल में स्पेसीज ज्यादा हैं। तो हुआ क्या कि हमने जितने भी स्पेसीज लगभग लगभग हमने कितने स्पेसीज टेम्परेट में है ये हमने ढूंढ लिया है, तो स्पेसिस इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। मतलब ये कि जो नंबर ऑफ स्पेसीज है ना, कि मतलब अगर हमको बात करें टेम्परेट के बारे में पढ़ने के लिए, कि टेम्परेट को पढ़ना है भाई कितने स्पेसीज टेम्परेट में मिलते हैं, हम ये चाहते हैं कि टेम्परेट रीजन जो है ना उसमें हम पढ़े कि कितना स्पेसीज हमको मिलता है। तो लगभग लगभग हम ज्यादा पढ़ चुके हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में हमने कम पढ़ा है कि कितने स्पेसीज मिलते हैं, क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन क्या है कि टेम्परेट में हमने ज्यादा पढ़ाई कर ली है ट्रॉपिकल में कम पढ़ाई की है। पहला चीज तो ये कि ट्रॉपिकल में स्पेसीज ज्यादा है तो थोड़ा मुश्किल है वहां पढ़ पाना, ठीक है, वहां स्टडी कर पाना मुश्किल होता है, थोड़ा वहां इन्वेस्टिगेशन कर पाना मुश्किल होता है। दूसरा,
जो मेजर ऑफ द इकोलॉजिस्ट है ना, जो इन सब ये सब काम करते हैं कि जाते हैं स्पेसिस को ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं, उनका नाम रखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ये ज्यादातर टेम्परेट वाले रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट वाले रीजन में। इसलिए हमने ज्यादा स्टडी कर ली है टेम्परेट वाले रीजन की एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन में। सबसे पहला रीजन क्या था कि टेम्परेट में कम स्पीसीज है तो आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, स्पीसीज को ढूंढ लेते हैं आसानी से। तो ट्रॉपिकल में स्पीसीज इसने ज्यादा, इसलिए थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या, ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं टेम्परेट वाले रीजन से, इसलिए वहां की स्टडी ज्यादा अच्छे से हो पाई और ज्यादा ज्यादा हो पाई एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। अब क्या लिखा उन्होंने, कंसीडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पेसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर आर इन द ट्रॉपिकल बायोलॉजिस्ट में। अब उसने क्या बोला, उसने बोला ऐसा है कि अगर हम एक अनुमान लगाएं तो हमको पता है कि ट्रॉपिकल में अभी भी डिस्कवर करने के लिए स्पेसीज ज्यादा है। ठीक है, अब हमने अनुमान कैसे लगाया कि कहाँ स्पेसिस ज्यादा है कहाँ स्पेसिस कम है, या फिर हमने अनुमान कैसे लगाया कि ट्रॉपिकल में इतना स्पेसिस बचा हुआ है डिस्कवर करने के लिए, या फिर ट्रॉपिकल में इतना स्पेसिस हो सकता है। हमने क्या किया, हमने कंपेरिजन लगाया। क्या कंपेरिजन लगाया? हमने बोला कि यार हमने बोला ना, देखो फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखो हमने बोला कि ट्रॉपिकल में, किसमें, ट्रॉपिकल में जो स्पेसीज रिचनेस है, जो डाइवर्सिटी है, वो डबल है, दो गुना है। मतलब अगर 1 किलोमीटर में, कितना, 1 किलोमीटर में टेम्परेट में, टेम्परेट वाले रीजन में अगर 1 किलोमीटर में 10 स्पेसिस मिलते हैं, कितने, 10 स्पेसिस मिलते हैं, तो उसका दुगना मिलेगा ट्रॉपिकल में। कहां मिलेगा? ट्रॉपिकल में। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि टेम्परेट वाले रीजन में अगर हम टेम्परेट के 1 किलोमीटर वाले रीजन को देखें तो वहां जितना स्पेसिस मिलता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसका डबल मिलता है ट्रॉपिकल में। तो आपने क्या किया कि टेम्परेट का 10 किलोमीटर आपने पढ़ा, आपने इन्वेस्टिगेशन किया टेम्परेट के 10 किलोमीटर रीजन को, कितने, 10 किलोमीटर को, और 10 किलोमीटर वाले रीजन को जो आपने पढ़ा तो आपको मिला 100 स्पेसिस। कितने मिले? 100 स्पेसिस मिले। तो आपने बोला कि टेम्परेट में डिस्कवर किया हमने 100 10 किलोमीटर में, तो वही 10 किलोमीटर अगर हम ट्रॉपिकल में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि दोगुना मिले, क्योंकि वहां का स्पेसिस रिचनेस डबल है, तो आप बोलोगे वहां 200 मिलेगा। तो ऐसा कंपेरिजन करके हमने अनुमान लगाया कि ट्रॉपिकल में इतने स्पेसीज हो सकते हैं। मतलब टेम्परेट की स्टडी करने के बाद हमने टेम्परेट से उसको क्या किया, टेम्परेट से हमने उसको रिलेट किया, ठीक है, कि यहां इतने हैं तो हो सकता है कि ट्रॉपिकल में इतने होंगे। ठीक है, क्या किया हमने, देख स्टैटिक्स लगाया, कंपेरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पेसीज रिचनेस ऑफ द एग्जोटिव स्टडीज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट एक्सप्लोर्ड दैट रेशियो ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल ऑफ द प्लांट कम अपॉन द ग्रॉस एस्टीमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। हमने बोला कि हमने क्या किया, हमने टेम्परेट में पढ़ाई कर ली थी, लगभग लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था, उससे ज्यादा पढ़ा था टॉपिकल में, तो हमने टेम्परेट में जितना पढ़ा हमने उसका अनुमान लगाया कि टेम्परेट में इतने किलोमीटर में इतना स्पेसीज मिल रहा है तो वहां हो सकता है कि 3 गुना मिलता है। तो हमने बोला यहां अगर 20 मिला है इतने में तो वहां 60 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने अनुमान लगाया। तो बेसिकली पता करने के मतलब कि कितने स्पेसीज कहाँ होते हैं, ये दो तरीके होते हैं। पहला तो आप ये अनुमान लगा लो डायरेक्ट, और दूसरा कि आप जाके डायरेक्ट गिन लो। ठीक है, एस्टिमेट्स बताती हैं कि 20 से लेके 25 मिलियन स्पेसीज अभी भी बाकी हैं खोजे जाने के लिए। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज 20 से 25 किलोमीटर, लेकिन अगर मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो रॉबर्ट मे साहब ने बताया ये जो ग्लोबल की स्पेसिस डाइवर्सिटी है ना, अबाउट 7 मिलियन है। कितनी है? अब देखो क्या हुआ, हमने रेंज लगाया, हमने बोला 20 से 50 मिलियन स्पेसिस डाइवर्सिटी है इस ग्लोब की, मतलब टोटल जितने भी स्पेसिस, टोटल कितने स्पेसिस हैं, 20 से लेके 50 मिलियन। लेकिन रॉबर्ट मे साहब ने बताया कि नहीं, 7 मिलियन है। कितना टोटल स्पेसिस कितने हैं इस अर्थ पे? 7 मिलियन है, जाने अनजाने मिला करके। ठीक है, जाने अनजाने मिला करके, जितने को जानते हैं प्लस जितने को नहीं जानते, टोटल मिला के 7 मिलियन है। और ये सवाल नीट 2020 में आया है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसको अभी और पार्ट बाकी है जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यही तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कुछ बोर्ड्स वाले क्वेश्चन। तो नीट वाले अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला IUCN ने बोला कि 1.5 मिलियन स्पीसीज हम डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन कितने बाकी हैं ये बता पाना मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। फिर हमने बोला कि हमको कैसे पता लगता है कितना स्पीसीज कम है, बचा हुआ है, कितना खोजना है, कितना स्पीसीज है यहाँ पे। तो
तो हमने क्या किया, हमने बोला यार ट्रॉपिकल का तो स्टडी हमने कम किया है, टेम्परेट का स्टडी ज्यादा किया है। रीजन बताया मैंने कि टेम्परेट को पढ़ना आसान है और बहुत सारे साइंटिस्ट टेम्परेट वाले रीजन से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। एक चीज फिर हमने बोला, एक काम किया हमने ना, हमने क्या क्या कंपेरिजन किया, हमने बोला कि टेम्परेट में अगर 1 किलोमीटर में 10 स्पीसीज मिलता है, टेम्परेट में अगर 1 किलोमीटर में 10 स्पीसीज मिलता है, तो हमने बोला ट्रॉपिकल में जब जाओगे ना तो वहां 1 किलोमीटर में 30 मिलता है, मतलब 3 गुना मिलता है। तो हमने बोला टेम्परेट को पढ़ो, टेम्परेट को पढ़ा हमने 10 किलोमीटर में, टेम्परेट का जब हमने 10 किलोमीटर पढ़ा तो हमने बोला यहां मिला हमको 100 स्पेसीज, तो हमने लगाया अनुमान कि वहां 1 किलोमीटर में 3 गुना मिल रहा था, यहां 10 किलोमीटर पढ़ा यहां 30 में यहां मिला 100, तो 3 गुना 300 कर दो। तो ये था, तो हमने क्या किया, हमने कंपेरिजन किया बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पेसीज रिचनेस के बीच में। इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं किस चीज का, कि कहाँ स्पेसीज ज्यादा है कहाँ कम है, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा ये कर लो कि जाओ ट्रॉपिकल में जाके पूरा का पूरा गिन लो। तो यहाँ पे आज का टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कहाँ सवाल हैं और बोर्ड्स में कितने सवाल आए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो रॉबर्ट मे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रॉबर्ट मे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये जो है ना रॉबर्ट मे, सबने बोला कि भाई 200, सब मतलब सबने क्या मतलब, हमने एक एस्टिमेट लगाया कि 20 से लेकर के 50 मिलियन तक बाकी हैं ढूंढने के लिए, लेकिन मोर कंजर्वेटिव अगर ध्यान दे या अगर हम अच्छे से अंदाजा लगाएं साइंटिफिकली अगर बात करें, तो रॉबर्ट मे साहब ने बोला कि जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब पूरे धरती पे जितने स्पीशीज हैं वो टोटल 7 मिलियन है, खोजा प्लस बिना खोजा, मतलब अभी खोजे जाने वाले जितने हैं प्लस जितने खोज लिए, मिला के 7 मिलियन। 2020 का सवाल था ये, ठीक है। अब देखो कुछ बोर्ड्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है भाई ध्यान देना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या नेम द 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो भैया मेरे जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसी डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये तीनों कॉम्पोनेंट हैं। जेनेटिक हम जानते हो जीन्स के लेवल पे डाइवर्सिटी, और आप स्पीसी डाइवर्सिटी जानते हो स्पीसी के लेवल पे डाइवर्सिटी, आप इकोलॉजिक इकोसिस्टम के लेवल पे जानते हो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस धरती पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं ये इकोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया। तो पहला तो मैंने तुमको बताया क्या, पहला मैंने तुमको बताया था कि आप कंपेरिजन कर लो टेम्परेट और ट्रॉपिकल में। दूसरा पहला क्या कि रेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज देख लो आप, बाई एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ डिस्कवरी, किस रेट से स्पेसीज का डिस्कवरी हो रहा है वो देख लो। दूसरा बाई स्टैटिकली कंपेरिजन ऑफ द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पेसीज रिचनेस ऑफ एग्जिक्यूटिव स्टडी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, वही बात लिखी जो मैंने बताई आपको कि आप क्या करो टेम्परेट और ट्रॉपिकल का क्या कर लो, क्या कर लो कंपेरिजन कर लो, ठीक है। अब देखिए सीबीएसई ऑल इंडिया 2010 का सवाल था, क्या था, इंडिया के पास 50,000 राइस की वैरायटी है, ये किस डाइवर्सिटी को शो करता है, तो ये स्पेसिस डाइवर्सिटी को शो करता है, मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, तो 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो है, ये किस चीज को शो करता है, यार ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है। फिर हमने बोला रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो है जो हिमालय में ग्रो करता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है रेस्पिरिन का, रेस्पिरिन जो केमिकल है वो हर प्लांट में अलग अलग होता है, मतलब रेस्पिरिन का प्लांट 1 देखोगे तो उसमें अलग है, रेस्पिरिन का प्लांट 2 देखो उसमें अलग है, ये किस चीज को बताता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को बताता है, इसको बताता है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को। और चौथा सवाल क्या है जो कि ऑल इंडिया सीबीएसई दिल्ली में आया, क्या आया है, 50,000 डाइवर्सिटी है, क्या बताता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, इस्ट्यूरीज और अल्पाइन ये इंडिया में है जबकि नॉर्वे में देखने को नहीं मिलता है, ये क्या बताता है, ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बताता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते थे बोर्ड्स में, जो क्वेश्चन बन सकते थे नीट में, मैंने आपको बताया। अगर मैं शुरू से आपको बताऊं कि क्या मैंने पढ़ाया है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी का मतलब, मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट जो सोशियोबायोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या, एडवर्ड साहब ने क्या कहा, फिर एडवर्ड साहब के 3 क्या बोलते हैं लेवल्स जिस पर उन्होंने बात की थी, सबसे पहला था जेनेटिक लेवल की जीन्स के बीच में डिफरेंसेस है, फिर स्पीशीज के लेवल पे डिफरेंसेस हैं, फिर इकोसिस्टम के लेवल पे डिफरेंसेस हैं, फिर हमने बोला क्या कि भाई ऐसा है कि जिस 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 रफ्तार से तुम इस डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हो, जिस रफ्तार से ये डाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, उसी रफ्तार से चलता रहा तो 2 सेंचुरी में सब खत्म हो जाएगा, जबकि बनने में 2 मिलियन टाइम लगा था। फिर IUCN की बात बोले 2004 में उन्होंने बोला कि भाई 1.5 मिलियन और थोड़ा सा ज्यादा हम जान चुके हैं, ठीक है, और किसकी स्टडी ज्यादा हो चुकी है, तो ट्रॉपिकल की स्टडी हमने अभी कम की है, टेम्परेट की स्टडी हमने ज्यादा की है, क्यों, पहला
टेम्परेट में कम स्पीसीज है, और दूसरा जनरली साइंटिस्ट वहीं के बिलोंग कर रहे वहीं से। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने बोला इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ मूव करते हो टेम्परेचर घटता है, इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ मूव करते हो बायोडायवर्सिटी भी घटती है, मतलब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, ट्रॉपिकल में उससे कम है, टेम्परेट में उससे कम है, और पोल में सबसे कम है। समझ में आता है? तो ये सारी बातें हमने की थी। नेक्स्ट लेक्चर में जो उसका बचा हुआ पार्ट है इस टॉपिक का, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।